एकादशी व्रत की विधि और महिमा भद्रशील की कथा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी अब मैं इस अन्य व्रत का जो तीनों लोकों में विख्यात है वर्णन करूंगा। यह सब पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम है एकादशी व्रत। यह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र और स्त्री जो भी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको ये मोक्ष देने वाला है। ये मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। विप्रवर सब प्रकार के इस व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन न करें। जो भोजन कर लेता है वो इस लोक में बड़ा भारी पापी है, परलोक में उसे नरक की प्राप्ति होती है। मुनीश्वर मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो वह दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी को निराहार रहे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमय तिथि है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वथा इसका सेवन करना चाहिए। दशमी को प्रातःकाल उठकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करें। एकादशी को सवेरे उठकर शौच स्नान के अनंतर गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहें, एकादश्याम निराहारः स्थित्वा द्याहं परे हनी भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत कमल नयन अच्युत। आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरे लिए शरण दाता हो। सुदर्शन चक्रधारी देवदेव भगवान विष्णु के समीप भक्तिभाव से उक्त मंत्र का उच्चारण करके संतुष्ट चित्त हो उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करें। व्रती पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत वाद्य नृत्य तथा पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात में जागरण करें। तदनंतर द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। विप्रवर जो एकादशी के दिन भगवान जनता जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है वो श्रीहरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, अज्ञान तिमिरांधस्य व्रते नानेन केशव प्रसिद्ध सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। केशव मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा हूँ, मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो और प्रसन्न मुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। विप्रवर इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्र चित्त हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंचमहायज्ञ बलि वैश्वदेव करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। जो इस प्रकार संयम पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह पुनरावृत्ति सहित वैकुंठ धाम में जाता है। उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य संलग्न मनुष्य चांडाल और पतितों की ओर कभी न देखे। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने मर्यादा भंग की है तथा जो निंदक और चुगले हैं, ऐसे लोगों से उपवास व्रत करने वाला पुरुष कभी बातचीत ना करे। जो यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है उससे भी व्रती पुरुष कभी न बोले। जो कुंड पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न किए हुए पुरुष कुंड का अन्न खाता देवता ब्राह्मण से विरोध रखता पराय अन्न के लिए लालायित रहता और पराय स्त्रियों में आसक्त होता है ऐसे मनुष्य का व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर ना करे। जो इस प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध जितेंद्रिय तथा सबके हित में तत्पर है वह उपवास परायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। क्षमा के समान कोई माता नहीं है, कीर्ति के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, धर्म के समान कोई पिता नहीं है, विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इस विषय में लोग भद्रशील और गालव मुनि के पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे शम मनोनिग्रह और दम इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या की निधि थे। सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष और विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहां विहार करते थे। वह स्थान कंद मूल फलों से परिपूर्ण था। वहां मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालव वहां चीरकाल से निवास करते थे।
उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वो बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था, उसे अपने पूर्वजन की बातों का स्मरण था। वो महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामति भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। मुनीश्वर भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह दो घड़ी या एक घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे। गालव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याणमय शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हें ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मग्न रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार है? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्राय दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्यों में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें यह बताना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्वजन का स्मरण रखने वाला पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला, पिताजी सुनिए, पूर्वजन में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वो जाति स्मर होने के कारण अब भी जानता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, मैं पूर्वजन में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस किया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार परायण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मादा नर्मदा के तट पर आए। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई ये मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहां भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहां एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहां जागरण करता रहा। और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वही मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाए। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, विद्वान, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि, धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया, फिर इस प्रकार कहा, धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है ये ठीक है, तथापि एक बात सुनी, एकादशी का उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन ये निराहार रहा है, वहां जागरण और उपवास करके ये सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसलिए जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिभाव से मेरी पूजा की।
तदनंतर धर्मराज ने अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज बोले, दूतो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास न लाया करो। जो मनुष्य जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी, व्रतपरायण तथा जितेंद्रिय है, और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितेशी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं, और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलाकांत, ब्रह्मा जी के पिता, शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्णाश्रम उचित आचार के मार्ग में स्थित हैं, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत्पात्र को दान देते, दिनों की रक्षा करते और निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। दूतगण, जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर हो, उन्हें त्याग देना। मेरे दूतों, जो लोग भगवान की कथारूप अमृत के सेवन से वंचित है, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर पर लाया करो। मेरे किंकरों, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितेशी जनों का भी अहित करने वाले, देवता की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पकड़ कर लाओ। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वर रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ ले आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ ले आओ। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वही नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहाँ पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहाँ से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर, जाति स्मर होने के कारण मैं ये सब बातें जानता हूँ, इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्वजन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, ये बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्वजन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था उसका ये फल मिला है। प्रभु, फिर जो भक्तिपूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः विपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूँगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परमानंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालव ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। मुनिश्रेष्ठ नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सब बातें कुछ विस्तार के साथ तुम्हें बता दी है, तुम और क्या सुनना चाहते हैं? चारों वर्णों और द्विज का परिचय तथा विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म का वर्णन। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, सनक जी के मुख से एकादशी व्रत का ये महात्म्य, जो अप्रमेय, पवित्र, सर्वोत्तम तथा पाप राशि को शांत करने वाला है, सुनकर ब्रह्मपुत्र नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महर्षि, आप बड़े तत्वज्ञ हैं। आपने भगवान की भक्ति देने वाले तथा परम पुण्यमय व्रत संबंधी इस आख्यान का यथार्थ रूप से पूरा पूरा वर्णन किया है। मुने, अब मैं चारों वर्णों के आचार की विधि और संपूर्ण आश्रमों के आचार तथा प्रायश्चित्य की विधि सुनाना चाहता हूँ। महाभाग, मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री सनक जी बोले,
मुनि श्रेष्ठ सुनिए, भक्तों का प्रिय करने वाले अविनाशी श्री हरि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं वो सब बतलाता हूँ। मनु आदि स्मृतिकारों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसा वर्णन किया है वो सब आपको विधि पूर्वक बतलाता हूँ, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार ही वर्ण कहे गए हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विज कहे गए हैं। पहला जन्म माता से और दूसरा उपनयन संस्कार से होता है। इन्हीं दो कारणों से तीनों वर्णों के लोग द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णों के लोगों का अपने अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष से पाखंडी कहते हैं। अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताए हुए कर्म का अनुष्ठान करने वाला द्विज। संस्कारों की नियत काल, ब्रह्मचारी के धर्म, अनध्याय तथा वेदाध्ययन की आवश्यकता का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ अब मैं विशेष रूप से वर्ण और आश्रम संबंधी आचार और विधि का वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जो स्वधर्म का त्याग करके परधर्म का पालन करता है उसे पाखंडी समझना चाहिए। द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक मंत्रोक्त विधि से करने चाहिए। स्त्रियों के संस्कार यथा समय बिना मंत्र के ही विधि पूर्वक करने चाहिए। प्रथम बार गर्भाधान होने पर चौथे मास में सीमंत कर्म करना उत्तम माना गया है, अथवा उसे छठे सातवें आठवें महीने में कराना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर पिता वस्त्र सहित स्नान करके स्वस्ति वाचन पूर्वक नांदी श्राद्ध तथा जात कर्म संस्कार करें। पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाने वाला वृद्धि श्राद्ध सुवर्ण या रजस से करना चाहिए। सूतक व्यतीत होने पर पिता मौन होकर अभिदेक श्राद्ध करने के अनंतर पुत्र का विधि पूर्वक नामकरण संस्कार करे। विप्रवर जो स्पष्ट न हो, जिसका कोई अर्थ न बनता हो, जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हो अथवा जिसमें अक्षरों की संख्या विषम होती हो, ऐसा नाम न रखे। तीसरे वर्ष में चूड़ा संस्कार उत्तम है। यदि उस समय न हो तो पांचवें छठे सातवें अथवा आठवें वर्ष में भी गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उसे संपन्न कर लेना चाहिए। गर्भ से आठवें वर्ष में अथवा जन्म से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। विद्वान पुरुष सोलहवें वर्ष तक उपनयन का गौण काल बतलाते हैं। गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के उपनयन का मुख्य काल है, उसके लिए बाईसवें वर्ष तक गौण काल निश्चित करते हैं। गर्भ से बारहवें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार उचित कहा गया है, उसके लिए चौबीसवें वर्ष तक गौण काल बतलाते हैं। ब्राह्मण की मेखला मूंछ की और क्षत्रिय की मेखला धनुष की प्रत्यचा से बनी हुई सूत की तथा वैश्य की मेखला भेड़ के ऊन की बनी होती। ब्राह्मण के लिए पलाश का और क्षत्रिय के लिए गुलर का तथा वैश्य के लिए बिल्व दंड विहित है। ब्राह्मण का दंड केश तक, क्षत्रिय का ललाट के बराबर और वैश्य के दंड की लंबाई नासिका के अग्रभाग तक की बताई है। ब्राह्मण आदि ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः गेरुएं, लाल और पीले रंग का वस्त्र बताया गया है। विप्रवर जिसका उपनयन संस्कार किया गया हो वह द्विज गुरु की सेवा में तत्पर रहे और जब तक वेदाध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक गुरु के ही घर में निवास करे। मुनीश्वर ब्रह्मचारी प्रातःकाल स्नान करे और प्रतिदिन सवेरे गुरु के लिए समिधा कुशा और फल लादि ले आए। मुनिश्रेष्ठ यज्ञोपवित मृग चर्म अथवा दंड जब नष्ट या अपवित्र हो जाए तो मंत्र से नूतन यज्ञोपवित आदि धारण करके नष्ट भ्रष्ट हुए पुराने यज्ञोपवित आदि को जल में फेंक दे। ब्रह्मचारी के लिए केवल भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करना बताया गया है। वो मन इंद्रियों को संयम में रखकर क्षत्रिय पुरुष के घर से भिक्षा ले आवे। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण वाक्य के आदि में, क्षत्रिय वाक्य के मध्य में और वैश्य वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करें। जैसे ब्राह्मण भवती भिक्षाम में देही, पूजनीय देवी मुझे भिक्षा दीजिए। क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देही और वैश्य भिक्षाम में देही भवती कहे। जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल शास्त्रीय विधि के अनुसार अग्निहोत्र, ब्रह्म यज्ञ तथा तर्पण करे। जो अग्निहोत्र का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष पति कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ से रहित ब्रह्मचारी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वह प्रतिदिन देवता की पूजा और गुरु की उत्तम सेवा करे। ब्रह्मचारी नित्य प्रति भिक्षा का ही अन्न भोजन करे। किसी एक घर का अन्न कभी न खाए। वह इंद्रियों को वश में रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाकर गुरु को समर्पित कर दे और उनकी आज्ञा से मौन होकर भोजन करे। ब्रह्मचारी मधु, मांस, स्त्री, नमक, पान, दंत धावन, उच्छिष्ट भोजन, दिन का सोना तथा छाता लगाना आदि न करे।
पादुका चंदन माला अनुलेपन जलक्रीड़ा नृत्य गीत वाद्य परनिंदा दूसरों को सताना बहकी बहकी बातें करना अंजन लगाना पाखंडी लोगों का साथ करना अक्षुद्रों की संगति में रहना आदि न करे। वृद्ध पुरुषों को क्रमशः प्रणाम करे। वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध और तीसरे वयोवृद्ध हैं। जो गुरु वेद शास्त्रों के उपदेश से आध्यात्मिक आदि दुखों का निवारण करते हैं उन्हें पहले प्रणाम करें। प्रणाम करते समय द्विज बालक मैं अमुक हूँ इस प्रकार अपना परिचय भी दे। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदि को प्रणाम ना करे। जो नास्तिक धर्म मर्यादा का तोड़ने वाला कृतघ्न ग्राम पुरोहित चोर और शठ हो उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम ना करे। पाखंडी पतित संस्कार भ्रष्ट नक्षत्र जीवी ज्योतिषी तथा पातकी को भी प्रणाम न करे। पागल शठ धूर्त दौड़ते हुए अपवित्र सिर में तेल लगाए हुए तथा मंत्र जप करते हुए पुरुष को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो झगड़ालू और क्रोधी हो वमन कर रहा हो पानी में खड़ा हो हाथ में भिक्षा का अन्न लिए हो और सो रहा हो उसको भी प्रणाम न करें। स्त्रियों में जो पति की हत्या करने वाली रजस्वला पर पुरुष से संबंध रखने वाली सूती का गर्भपात करने वाली कृतघ्न और क्रोधिनी हो उसे कभी प्रणाम न करें। सभा यज्ञशाला और देव मंदिर में भी एक एक व्यक्ति के लिए किया जाने वाला नमस्कार पूर्वकृत पुण्य का नाश करता है। श्राद्ध व्रत दान देव पूजा यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुष को प्रणाम न करें, क्योंकि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद ना दे सके वो प्रणाम करने योग्य नहीं। बुद्धिमान शिष्य दोनों पैर धोकर आचमन करके सदा गुरु के सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करें, फिर अध्ययन करें। अष्टमी चतुर्दशी प्रतिपदा अमावस्या पूर्णिमा महाभरणी भरणी नक्षत्र के योग से होने वाले पर्व विशेष श्रवण युक्त द्वादशी पितृपक्ष की द्वितीया माघ शुक्ला सप्तमी अश्विन शुक्ला नवमी इन तिथियों में तथा सूर्य के चारों ओर घेरा लगने पर एवं किसी क्षत्रिय विद्वान के अपने यहाँ पधारने पर अध्ययन बंद रखना चाहिए। जिस दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया गया हो या किसी के साथ कलह बढ़ गया हो उस दिन भी अनध्याय रखना चाहिए। देवर्षि संध्या के समय अकाल में मेघ की गर्जना होने पर असमय में वर्षा होने पर उल्कापात तथा वज्रपात होने पर अपने द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाने पर मनवादी तिथियों के आने पर तथा युगादि चार तिथियों के उपस्थित होने पर सब कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला कोई भी द्विज अध्ययन न करे। वैशाख शुक्ला तृतीया भाद्र कृष्णा त्रयोदशी कार्तिक शुक्ला नवमी तथा माघ की पूर्णिमा ये तिथियां युगादि कही गई हैं। इनमें जो दान दिया जाता है उसके पुण्य को ये अक्षय बनाने वाली है। नारद जी अश्विन शुक्ला नवमी कार्तिक शुक्ला द्वादशी चैत्र तथा भाद्रपद मास की तृतीया आषाढ़ शुक्ला दशमी माघ शुक्ला सप्तमी श्रावण कृष्णा अष्टमी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा फाल्गुन की अमावस्या पौष शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक फाल्गुन चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथियां ये मन्वंतर की आदि तिथियां बताई गई हैं, जो दान के पुण्य को अक्षय बनाने वाली हैं। द्विजों को मनवादी और युगादि तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का निमंत्रण हो जाने पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ होने के दिन भूकंप होने पर गल ग्रह में और बादलों के आने से अंधेरा हो जाने पर कभी अध्ययन न करें। नारद जी इन सब अनाध्यायों में जो अध्ययन करते हैं उन्हें मूल पुरुषों की संतति बुद्धि यश लक्ष्मी आयु बल तथा आरोग्य का साक्षात यमराज नाश करते हैं। जो अनाध्याय काल में अध्ययन करता है उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन न करके अन्य कर्मों में परिश्रम करता है उसे क्षुद्र के तुल्य जानना चाहिए। वह नरक का प्रिय अतिथि है। वेदाध्ययन रहित ब्राह्मण के नित्य नैमित्तिक काम्य तथा दूसरे जो वैदिक कर्म हैं वह सब निष्फल होते हैं। भगवान विष्णु शब्द ब्रह्म में है और वेद साक्षात श्रीहरि का स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विवाह के योग्य कन्या विवाह के आठ भेद तथा गृहस्थोचित शिष्टाचार का वर्णन श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी वेदाध्ययन काल तक ब्रह्मचारी निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहे, उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्नि परिग्रह ग्राहपत्य अग्नि की स्थापना करें। द्विज वेद शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर अपने घर जाए व उत्तम कुल में उत्पन्न रूप और लावण्य से युक्त सद्गुणवती तथा सुशीला और धर्मपरायणा कन्या के साथ विवाह करें। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोग से युक्त कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके केश बहुत अधिक या कम हो, जो सर्वथा केश रहित हो और बहुत बोलने वाली हो, उसे विद्वान पुरुष विवाह न करे।
जो क्रोध करने वाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीर वाली, कुरूपा, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाली, उन्मादिनी और चुगली करने वाली हो, तथा जो कुबड़ी हो उससे भी विवाह न करे। जो सदा दूसरों के घर में रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रांत हो, तथा जो निष्ठुर स्वभाव की हो, जो बहुत खाने वाली हो, जिसके दांत और ओठ मोटे हो, जिसकी नाक से घुरघुराहट की आवाज़ होती है, और जो धूर्त हो उससे विद्वान पुरुष विवाह ना करे। जो सदा रोने वाली हो, जिसके शरीर की आभा श्वेत रंग की हो, जो निंदित, हांसी और दमे आदि के रोग से पीड़ित तथा अधिक सोने वाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो, लोगों से द्वेष रखती हो और चोरी करती हो, उसे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल कपट करने वाली हो, जिसके शरीर में अधिक रोए बढ़ गए हो, तथा जो बहुत घमंडी और बगुला वृत्ति वाली, ऊपर से साधु और भीतर से दुष्ट हो, उससे भी विद्वान पुरुष विवाह न करे। मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण आदि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ये जानना चाहिए। इनमें पहला श्रेष्ठ, पहले वाले के अभाव में दूसरा श्रेष्ठ एवं ग्राह्य माना गया है। ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच विवाह है। श्रेष्ठ द्विज को ब्राह्मण विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए, अथवा दैव विवाह की रीति से भी विवाह किया जा सकता है। कोई कोई आर्ष विवाह को भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। ब्राह्मण, शेष, प्राजापत्य आदि 5 विवाह निंदित है। अब गृहस्थ पुरुष का शिष्टाचार बताया जाता है। 2 यज्ञोपवीत तथा 1 चादर धारण करें, कानों में सोने के 2 कुंडल पहने, धोती 2 रखे, सिर के बाल और नाक कटाता रहे, पवित्रता पूर्वक रहे, स्वच्छ पगड़ी, छाता तथा चरण पादुका धारण करें, वेश ऐसा रखे जो देखने में प्रिय लगे, प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करें, शास्त्रोक्त आचार का पालन करें, दूसरों का अन्न न खाए, दूसरों की निंदा छोड़ दे, पैर से पैर को न दबाए, झूठी चीज को न लांघे, दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलाए, पूज्य पुरुष तथा देवालय को बाएं करके न चले, देव पूजा, स्वाध्याय, आचमन, स्नान, व्रत तथा श्राद्ध क्रम आदि में शिखा को खुली न रखें और 1 वस्त्र धारण करके न रहें, गधे के आदि की सवारी न करें, सूखा वाद विवाद त्याग दे, पराई स्त्री के पास कभी न जाए। ब्राह्मण, गौ, पीपल तथा अग्नि को भी अपने से बाएं करके न जाए। इसी प्रकार चौराहे को, देव वृक्ष को, देव संबंधी कुंड या सरोवर को तथा राजा को भी अपने से बाएं करके न चले। दूसरों के दोष देखना, दाह रखना और दिन में सोना छोड़ दे, दूसरों के पाप न कहे, अपना पुण्य प्रकट न करे, अपने नाम को, जन्म नक्षत्र को तथा मान को अत्यंत गुप्त रखे, दुष्टों के साथ निवास न करे, अशास्त्रीय बात न सुने, द्विज को मध्य जुआ तथा गीत में कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, गीली हड्डी, झूठी वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले, चिता की लकड़ी, यूप, चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे, दीपक की, खाट की और शरीर की छाया, केश का, वस्त्र का और चटाई का जल तथा बकरी के झाड़ू के और बिल्ली के नीचे की धूल, ये सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं, सूप की हवा, प्रेत के दाह का धुआं, क्षुद्र के अन्न का भोजन तथा वृषली के पति के साथ दूर से ही त्याग दे। असत शास्त्रों के अर्थ का विचार, नख और केशों को दांतों से चबाना तथा नंगे होकर सोना सर्वदा छोड़ दे, सिर में लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में न लगावे, अपवित्र तांबूल, बाजार के लगाए हुए पान न खाए तथा सोते को न जगाए, अशुद्ध हुआ मनुष्य अग्नि की सेवा, देवताओं और गुरुजनों का पूजन न करे, बाएं हाथ से अथवा केवल मुख से जल न पिए, मुनीश्वर, गुरु की छाया पर पैर न रखे, उनकी आज्ञा भी न टाले, योगी, ब्राह्मण और यति पुरुषों की कभी निंदा न करे, द्विज को चाहिए कि वह आपस की गुप्त रहस्य की बातें कभी न कहे, अमावस्या तथा पूर्णिमा को विधि पूर्वक याग करे, द्विजों को सुबह शाम उपासना और होम अवश्य करने चाहिए, जो उपासना का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष शराबी कहते हैं, अयन आरंभ होने के दिन विषु योग में जब दिन रात बराबर होते हैं, 4 युगादि तिथियों में अमावस्या को और प्रेत पक्ष में गृहस्थ द्विज को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। नारद जी, मनवादी तिथियों में मृत्यु की तिथि को 3 अष्टकाओं में तथा नूतन अन्न घर में आने पर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आ जाए या चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगा हो अथवा पुण्य क्षेत्र एवं तीर्थ में पहुंच जाए तो गृहस्थ पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे, जो उपर्युक्त सदाचार में तत्पर हैं उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, द्विज श्रेष्ठ, भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर क्या असाध्य रह जाता है।
गृहस्थ संबंधी शौचाचार, स्नान, संध्योपासन आदि तथा वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के धर्म। श्री सनक जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं गृहस्थ का सदाचार बतलाता हूँ, सुनो। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुषों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण गृहस्थ पुरुष ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व की चार घड़ी में उठकर जो पुरुषार्थ मोक्ष साधन की विरोधिनी न हो ऐसे जीविका का चिंतन करे। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आवे तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। द्विज सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे और उसके होने तक मौन रहे। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थान में, अग्नि के समीप, देवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण गाय गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी अंगार खप्पर या खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मलमूत्र न करें। शौच शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शौच ही द्विजत्व का मूल है। जो शौचाचार से रहित है उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच दो प्रकार का कहा गया है, एक ब्राह्मीय शौच और दूसरा आभ्यंतर शौच। मिट्टी और जल से जो ऊपर ऊपर की शुद्धि की जाती है वही बाह्य शौच है और भीतर के भावों की जो पवित्रता है उसे ही आभ्यंतर शौच कहा गया है। मलत्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लावे, चूहे आदि की खोदी हुई, फांसे उलाटी हुई तथा बावड़ी, कुआं और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी शौच के लिए न लावे। अच्छी मिट्टी देखकर यत्न से शुद्धि का संपादन करे। लिंग में एक बार या तीन बार मिट्टी लगाकर धोए और अंडकोश में दो बार मिट्टी लगाकर जल से धोए। मनीषी पुरुषों ने मूत्र त्याग के पश्चात इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है। लिंग में एक बार, गुदा द्वार में पांच बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। ये मल त्याग के पश्चात उसके लेप और दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगुने शौच का विधान है, वानप्रस्थियों के लिए 3 गुना और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा 4 गुना शौच बताया गया है। मुनि श्रेष्ठ, कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करे। रोगी के लिए बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयन रहित द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक की शौच की सीमा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष के छिलके सहित लकड़ी लेकर उसे दातुन करें। बेल, असना, अपामार्ग, उंगा या चिरचिरा, नीम, आम और अर्क आदि वृक्षों का दातुन होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित करें। आयुर्बलम यशो वर्चहा प्रजाहा पशुवसुनिच ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वम नो देहि वनस्पते। वनस्पते, तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करो। कनिष्ठा के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दातुन ब्राह्मण करे। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल, शूद्र और स्त्रियों को 4 अंगुल का दातुन करना चाहिए। दातुन न मिलने पर 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। उसके बाद नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करें और तीर्थों को प्रणाम करके सूर्य मंडल में भगवान नारायण का आवाहन करें। फिर गंध आदि से मंडल बनाकर उन्हीं भगवान जनार्दन का ध्यान करें। नारद जी, तदनंतर पवित्र मंत्रों और तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्यां सरितस्तथा आगच्छतु महाभागा स्नान काले सदा मम। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, युवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तेता, मोक्षदायिका। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी नाम वाली नदियां इस जल में निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियां सदा मेरे स्नान काल में यहाँ पधारें। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, उज्जैन और द्वारकापुरी इन 7ों को मोक्षदायिनी समझना चाहिए। तदनंतर श्वास को रोके हुए पानी में डुबकी लगाएं और अघमर्षण सुख का जप करें। फिर स्नानांग तर्पण करके आचमन के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें। नारद जी, उसके बाद सूर्य भगवान का ध्यान करके जल से बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध धौत वस्त्र धारण करें। ऊपर से दूसरा वस्त्र चादर भी ओढ़ लें। तत्पश्चात कुशासन पर बैठकर संध्या कर्म प्रारब्ध करें। ब्राह्मण ईशान कोण की ओर मुख करके गायत्री मंत्र से आचमन करें। फिर रुतच्च इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष दोबारा आचमन करें।
तदनंतर अपने चारों ओर जल छिड़क कर अपने आप को उस जल से आवेष्टित कर अपने शरीर पर भी जल सिंचे। फिर प्राणायाम का संकल्प लेकर प्रणव का उच्चारण करने के बाद प्रणव सहित सातों व्याहतियों के तथा गायत्री मंत्र के ऋषि छंद और देवताओं का स्मरण करते हुए विनियोग करते हुए भूहा आदि सात व्याहतियों द्वारा मस्तक पर जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात मंत्रज्ञ पुरुष पृथक पृथक करन्यास और अंग न्यास करें। पहले हृदय में प्रणव का न्यास करके मस्तक पर भू का न्यास करें। फिर शिखा में भूवक का, कवच में स्वाहक का, नेत्रों में भू भ्रुवक का तथा दिशाओं में भू भ्रुव स्वाहा इन तीनों व्याहतियों का और अस्त्र का न्यास करें। तीन बार हथेली पर ताल देना ही अस्त्र न्यास है। तदनंतर प्रातःकाल कमल के आसन पर विराजमान संध्या गायत्री देवी का आवाहन करें। सबको वर देने वाली तीन अक्षरों से युक्त ब्रह्म वादिनी गायत्री देवी, तुम वेदों की माता तथा ब्रह्म योनि हो, तुम्हें नमस्कार है। मध्यान काल में वृषभ पर आरूढ़ हुई श्वेत वस्त्र समावृत सावित्री का आवाहन करें, जो रुद्र योनि तथा रुद्र वादिनी है। सायंकाल के समय गरुड़ पर चढ़ी हुई पीताम्बर से आच्छादित विष्णु योनि एवं विष्णु वादिनी सरस्वती देवी का आवाहन करना चाहिए। प्रणव, सात व्याहति, त्रिपदा गायत्री तथा शिरशिखा मंत्र, इन सब का उच्चारण करते हुए क्रमशः पूरक, कुंभक और विरेचन करें। प्राणायाम में बाई नासिका के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना चाहिए। फिर क्रमशः कुंभक करके विरेचन द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। तत्पश्चात प्रातःकाल की संध्या में सूर्यश्च माँ इत्यादि मंत्र पढ़कर दो बार आचमन करें। मध्यान काल में आपः पुनन्तु इत्यादि से और सायं संध्या में अग्निश्च माँ इत्यादि मंत्र से आचमन करना चाहिए। इसके बाद आपोहिष्टा मयो भुवः इत्यादि तीन ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। फिर सुमित्रियान आप औषधया संतु, दुर्मित्रियास्तस समे संतु योस्मादेष्टि यम च वयम दिश्मः। इस मंत्र को पढ़ते हैं हथेली में जल लेकर नासिका से उसका स्पर्श कराए और भीतर के काम क्रोधादि शत्रु उस जल में आ गए ऐसी भावना करके दूर फेंक दे। इस प्रकार शत्रु वर्ग को दूर भगाकर द्रुपदादिव मुमुच्चानः इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने सिर पर डाले। उसके बाद रुतच्च सत्यम इत्यादि मंत्र से अघमर्षण करके अंतश्वरसि इत्यादि मंत्र द्वारा एक ही बार जल का आचमन करें। देवर्षि, तदनंतर सूर्य देव को विधि पूर्वक गंध, पुष्प और जल की अंजलि दे। प्रातःकाल स्वस्तिकाकार अंजलि बांधकर भगवान सूर्य का उपस्थान करें। मध्यान्ह काल में दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर और सायंकाल बाहें नीचे करके उपस्थान करें। इस प्रकार प्रातः आदि तीनों समय के लिए पृथक पृथक विधि है। नारद जी, सूर्योपस्थान के समय उद्युत्तम जात वेद सम चित्रम देवानाम उदगादनिकम तश्चक्षु देवर्हितम इन तीन ऋचाओं का जप करें। इसके सिवा सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का, शिव संबंधी मंत्रों का तथा विष्णु देवता संबंधी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सूर्योपस्थान के बाद तेजोसी तथा गायत्र सेकपदी इत्यादि मंत्रों को पढ़कर भगवान सविता के तेज स्वरूप गायत्री की अथवा परमात्मा तेज की स्तुति प्रार्थना करें। तदनंतर पुनः तीन बार अंगन्यास करके ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु की स्वरूप भूता शक्तियों का चिंतन करें। प्रातःकाल ब्रह्मा की, मध्यान्ह में रुद्र की और सायंकाल विष्णु की शक्ति रूप से क्रमशः गायत्री, सावित्री और सरस्वती का चिंतन करना चाहिए। उनका क्रमशः ध्यान इस प्रकार है। ब्रह्माणि चतुरानना क्षवलयम कुंभकरे स्त्रु कृस्त्रुवो विभ्राणाम त्वरेणुंदु कांति वंदना रुग्रिपिणी बालिका हंसारोहण के लिखन खण मणे बिंबार्चिता भूषिता गायत्री परिभाविता भवतु नः संपत्त समृद्धे सदा। प्रातःकाल में गायत्री देवी ऋग्वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराज रही। ये ब्रह्मा जी की शक्ति है। इनके चार मुख हैं। इन्होंने अपने हाथों में अक्ष वलय, कलश, स्नुक और स्नुआ धारण कर रखा है। इनके मुख की कांति अरुण चंद्रमा के समान कमनीय है। ये हंस पर चढ़ने की क्रीड़ा कर रही हैं। उस समय इनके मणिमय आभूषण खन खन करने लगते हैं। मणि के बिंबों से ये पूजित और विभूषित है। ऐसी गायत्री देवी हमारे ध्यान के विषय होकर दैवी संपत्ति बढ़ाने में सहायक हो। मध्यान काल में वही गायत्री सावित्री नाम धारण करती है। ये रुद्र की शक्ति है। नूतन यौवन से संपन्न है। इनके तीन नेत्र है। व्याघ्र का चर्म इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। इनके हाथों में खटवांग, त्रिशूल, अक्षवलय और अभय की मुद्रा है।
तेजोमय विद्युत के समान दैदीप्यमान जटा में बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। यह आनंद में मग्न है। वृषभ इनका वाहन है। शरीर का रंग कपूर के समान गौर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करे। सायंकाल में वही गायत्री विष्णु शक्ति भगवती सरस्वती का रूप धारण करती है। उनके श्रीअंग पीताम्बर से अलंकृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शरीर का एक एक अवयव श्याम है। विभिन्न अंगों में जरावस्था के लक्षण प्रकट होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़ पर बैठी है। मणिमय नूपुर, भुजबंद और सुंदर हार, हमेल आदि भूषणों से उनकी स्वाभाविक प्रभा और बढ़ गई है। उनके हाथों में शंख चक्र और उत्तम गदा तथा पद्म सुशोभित है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सरस्वती देवी हमारी श्री वृद्धि करे। इस प्रकार ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें। प्रातः और मध्यान्ह काल में खड़े होकर तथा सायंकाल में बैठकर भक्ति भाव से गायत्री के ध्यान में ही मन को लगाए हुए जप करना चाहिए। प्रति समय की संध्योपासना में गायत्री देवी का 1000 जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा कम से कम 10 बार जप साधारण माना गया है। आरंभ में प्रणव, फिर भूर भ्रुव स्वाहा, उसके बाद तस्वितु इत्यादि त्रिपदा गायत्री, यही जपने योग्य गायत्री मंत्र का स्वरूप है। मुने ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और यति के द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसमें 6 प्रणव लगावे अथवा आदि अंत में प्रणव लगाकर मंत्र को उसमें संपुटित कर दे। परंतु गृहस्थ के लिए केवल आदि में 1 प्रणव लगाने का नियम है। ऐसा ही मंत्र उसके लिए जपने योग्य है। तदनंतर यथाशक्ति जप करके उसे भगवान सूर्य को निवेदित करे। फिर गायत्री तथा सूर्य देवता के लिए 1-1 अंजलि जल छोड़े। तत्पश्चात उत्तरे शिखरे देवी इत्यादि मंत्र से गायत्री देवी का विसर्जन करते हुए कहे, देवी श्री ब्रह्मा शिव तथा भगवान विष्णु की अनुमति लेकर सादर पधार। इसके बाद दिशाओं और दिग देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के अनंतर प्रातकाल आदि का दूसरा कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न करें। देवर्षि, गृहस्थ पुरुष प्रातकाल और मध्यान्ह काल में स्नान करे, परंतु वानप्रस्थी तथा सन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए। जो रोग आदि से कष्ट पा रहे हो उनके लिए तथा पथिकों के लिए एक ही बार स्नान का विधान किया गया है। मुनीश्वर, संध्योपासन के अनंतर द्विज हाथ में कुश धारण करके ब्रह्म यज्ञ करें। यदि दिन में बताए गए कर्म प्रमादवश न किए गए हों तो रात के पहले पहर में उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिए। जो धूर्त बुद्धि वाला द्विज आपत्ति काल न होने पर भी संध्योपासन नहीं करता उसे सब धर्मों से भ्रष्ट एवं पाखंडी समझना चाहिए। जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को अनावश्यक बताते हुए उनका त्याग करता है उसे महापातकियों का सिर मोर समझना चाहिए। संध्या उपासना के बाद विधि पूर्वक देव पूजा तथा बलि वैश्व देव कर्म करना चाहिए। उस समय आए हुए अतिथि का अन्न आदि से भली भांति सत्कार करना चाहिए। उनके आने पर मीठे वचन बोलना चाहिए। उन्हें घर में ठहरने के लिए स्थान देकर अन्न जल अथवा कंद मूल फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिसका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात न हो और जो दूसरे गांव से आया हो ऐसे व्यक्ति को विद्वान पुरुष अतिथि कहते हैं। उसका श्री विष्णु की भांति पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, प्रतिदिन पितरों की तृप्ति के उद्देश्य अपने ग्राम के निवासी एक क्षत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मण को अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए जो पंच महायज्ञों का यागी है। उसे विद्वान लोग ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, इनको पंच यज्ञ कहते हैं। भृत्य और मित्र वर्ग के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। द्विज कभी अभक्ष पदार्थ को न खाए। सुपात्र व्यक्ति का त्याग न करे उसे अवश्य भोजन करा। जो अपने आसन पर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुख से उगले हुए अन्न को खाता है विद्वान पुरुष उसे शराबी कहते हैं। जो आधा खाए हुए मोदक फल और प्रत्यक्ष नमक को पुनः खाता है वह गोमांस भोजी कहा जाता है। द्विज को चाहिए कि वह पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष पदार्थों का भोजन करते समय मुख से आवाज न करे। यदि वह उस समय मुंह से आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए हितकर अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले एक बार जल का आचमन करे और इस प्रकार कहे, अमृतोपस्तरणम मसी, हे अमृत रूप जल तू भोजन का आश्रय अथवा आसन। फिर भोजन के अंत में एक बार जल पिए और कहे, अमृता पिधान मसी,
हे अमृत, तू भोजन का आवरण उसे ढकने वाला है। पहले प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनके निमित्त अन्न की 5 आहुतियां अपने मुख में डालकर आचमन कर ले, उसके बाद भोजन आरंभ करे। विप्रवर नारद जी इस प्रकार भोजन के पश्चात आचमन करके शास्त्र चिंतन में तत्पर होना चाहिए। रात में भी आए हुए अतिथि का यथाशक्ति भोजन, आसन तथा शयन से अथवा कंदमूल फल आदि से सत्कार करे। मुने, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचार का पालन करे। जिस समय वह सदाचार को त्याग देता है उस समय प्रायश्चित का भागी होता है। साधु शिरोमणि, अपने शरीर को सफेद बाल आदि दोषों से युक्त देखकर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़ दे। स्वयं घर से विरक्त होकर वन में चला जाए अथवा पत्नी को भी साथ ही लेता जाए। वहां 3 समय स्नान करे, नख, दाढ़ी, मूछ और जटा धारण किए रहे, नीचे भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और 5 महायज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहे। प्रतिदिन फल मूल का भोजन करे और स्वाध्याय में लगा रहे। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न होकर सब प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे। गांव में पैदा हुए फल मूल को त्याग दे। प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे तथा रात में उपवास पूर्वक रहे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला द्विज उपटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण का चिंतन तथा चांद्रायण आदि तपों में व्रत करे। सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करे। सदा अग्नि की सेवा, अग्निहोत्र में संलग्न रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वो पतित हो जाता है। सन्यासी को वेदांत के अभ्यास में तत्पर, शांत, संयमी और जितेंद्रिय, द्वंद्व से रहित तथा ममता और अहंकार से शून्य रहना चाहिए। वो शम, दम आदि गुणों से युक्त तथा काम, क्रोधादि दोषों से दूर रहे। सन्यासी द्विज नग्न रहे या पुराना कौपीन पहने, उसे अपना मस्तक मुंडाए रहना चाहिए। और शत्रु, मित्र तथा मान अपमान में समान भाव रखे। गांव में 1 रात और नगर में अधिक से अधिक 3 रात रहे। सन्यासी सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे, किसी एक के घर का अन्न खाने वाला ना हो। जब चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के लोगों का खाना पीना हो गया हो, कोई बाकी ना हो, उस समय किसी उत्तम द्विज के घर में जहाँ लड़ाई झगड़ा न हो, भिक्षा के लिए सन्यासी को जाना चाहिए। सन्यासी 3 काल स्नान और भगवान नारायण का ध्यान करे और मन को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रतिदिन प्रणव का जप करता रहे। अगर कोई लंपट सन्यासी कभी एक व्यक्ति का अन्न खाकर रहने लगे तो 10,000 प्रायश्चित करने पर भी उसका उद्धार नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, यदि सन्यासी लोभवश केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहे तो उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। सभी वर्ण और आश्रमों में उसकी निंदा होती है। सन्यासी अपने आत्मस्वरूप भगवान नारायण का चिंतन करे, जो रोग शोक से रहित, द्वंद्व से परे, ममता शून्य, शांत, मायातीत, ईर्ष्या रहित, अव्यय, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान में, निर्मल परम ज्योतिर्मय, सनातन अधिकारी, अनादि अनंत जगत की चिन्मयता के कारण गुणातीत तथा परात्पर परमात्मा है, उन्हीं का नित्य ध्यान करना चाहिए। वो उपनिषद वाक्यों का पाठ एवं वेदांत शास्त्र के अर्थ का विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा सहस्त्र मस्तक वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करे। जो ईर्ष्या छोड़कर इस प्रकार भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है वो परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योति को प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह क्रमशः आश्रम संबंधी आचारों का पालन करता है वो परम धाम में जाता है। वहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म के पालन में तत्पर एवं सब पापों से रहित भगवत भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध की विधि तथा उसके विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मैं श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पिता की क्षया तिथि के पहले दिन स्नान करके 1 समय भोजन करें, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा रात में ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। श्राद्ध करता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल और उपटन लगाना, मैथुन औषध सेवन तथा दूसरों के अन्न का भोजन अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना, ये सब कार्य श्राद्ध करता और श्राद्ध भोक्ता को छोड़ देने चाहिए। यदि श्राद्ध में निमंत्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और नरक में जाता है। श्राद्ध में वेद की ज्ञाता और वैष्णव ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए, जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, परम शांति, उत्तम कुल में उत्पन्न, राग देश से रहित, पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण, सब प्राणियों पर दया करने वाला,
देव पूजा परायण, स्मृतियों का तत्व जानने में कुशल, वेदांत तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण लोगों के हित में संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुणयुक्त, गुरुजनों की सेवा में तत्पर तथा उत्तम शास्त्र वचनों द्वारा धर्म का उपदेश देने वाला हो, उसे श्राद्ध में निमंत्रित करें। किसी अंग से हीन अथवा अधिक अंग वाला, कर्दय रोगी, कोढ़ी, बुरे नखों वाला, अपने व्रत को खंडित करने वाला, ज्योतिषी, मुर्दा जनाने वाला, कुत्सित वचन बोलने वाला, परिवेत्ता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, देवल, दुष्ट, निंदक, असहनशील, धूर्ति गांव भर का पुरोहित, असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला, वृषलिपति, कुंड गोलक, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाला, पाखंड पूर्ण आचरण वाला, अकारण सिर मुंडाने वाला, पराई स्त्री और पराए धन का लोभ रखने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति से रहित, भगवान शिव की भक्ति से विमुख, वेद बेचने वाला, व्रत का विक्रय करने वाला, स्मृतियों तथा मंत्रों को बेचने वाला, गवैया, मनुष्यों की झूठी प्रशंसाओं के लिए कविता करने वाला, वैद्य शास्त्र से जीविका चलाने वाला, वेद निंदक, गाँव और वन में आँख लगाने वाला, अत्यंत कामी, रस बेचने वाला, झूठी युक्ति देने में तत्पर रहने वाला, ये सब ब्राह्मण यत्न पूर्वक श्राद्ध में त्याग देने योग्य है। श्राद्ध से एक दिन पहले या श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। श्राद्धकर्ता पुरुष हाथ में कुश लेकर इंद्रियों को वश में रखते हुए विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दे और इस प्रकार कहे, हे साधु शिरोमणि, श्राद्ध में अपना समय देकर मुझ पर कृपा प्रसाद करें। तदनंतर प्रातःकाल उठकर सवेरे का नित्य कर्म समाप्त करके विद्वान पुरुष कुत्तप काल में श्राद्ध प्रारंभ करे। दिन के आठवें मुहूर्त में जब सूर्य का तेज कुछ मंद हो जाता है, उस समय को कुत्तप काल कहते हैं, तब ये श्राद्ध प्रारंभ करे। उसमें पितरों की तृप्ति के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल ही दिया है। मुनि श्रेष्ठ, विभिन्न द्रव्यों के साथ जो कव्य समय में पितरों के लिए दिया जाता है, उसे राक्षस का भाग समझना चाहिए, वह पितरों के पास नहीं पहुंच पाता है। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है, उसे देने वाला नरक में पड़ता है और उसका भोजन करने वाला भी नरकगामी होता है। ब्राह्मण, यदि निधन तिथि का मान पहले दिन एक दंड ही हो और दूसरे दिन वो अपराह्न तक व्याप्त हो, तो विद्वान पुरुष को दूसरे ही दिन श्राद्ध करना चाहिए। किंतु मृत्यु तिथि यदि दोनों दिन अपराह्न काल में व्याप्त हो, तो क्षय पक्ष में पूर्व तिथि को श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए और वृद्धि पक्ष में परतिथि को। यदि पहले दिन क्षया तिथि चार घड़ी हो और दूसरे दिन तक व सायंकाल तक व्याप्त हो, तो श्राद्ध के लिए दूसरे दिन वाली तिथि ही उत्तम मानी गई है। द्विजोत्तम, निमंत्रित ब्राह्मणों के एकत्र होने पर प्रायश्चित्त से शुद्ध हृदय वाला श्राद्धकर्ता पुरुष उनसे श्राद्ध के लिए आज्ञा ले। ब्राह्मणों से श्राद्ध के लिए आज्ञा मिल जाने पर श्राद्धकर्ता पुरुष फिर उनमें से दो को विश्वदेव श्राद्ध के लिए और तीन को विधिपूर्वक पितृश्राद्ध के लिए पुनः निमंत्रित करें, अथवा देव श्राद्ध तथा पितृश्राद्ध के लिए एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें। श्राद्ध के लिए आज्ञा लेकर एक एक मंडल बनावे। ब्राह्मण के लिए चौकोर, क्षत्रिय के लिए त्रिकोण तथा वैश्य के लिए गोल मंडल बनाना आवश्यक समझना चाहिए। अक्षुद्र को मंडल न बनाकर केवल भूमि को सींच देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के अभाव में भाई को, पुत्र को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त करें, परंतु वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में नियुक्त न करें। ब्राह्मणों को पैर धोकर उन्हें आचमन करावे और नियत आसन पर बैठाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणों को बीच में तथा श्राद्ध मंडप के द्वार देश में श्राद्धकर्ता पुरुष अपहता असुरा रक्षासी वेदी शत इस ऋचा का उच्चारण करते हुए तिल बिखेर जो और कुश द्वारा विश्वदेवों को आसन दे। हाथ में जौ और कुश लेकर कहे, विश्वेशाम देव नाम इदम आसनम, ऐसा कहकर विश्वदेवों को बैठने के लिए आसन रूप से उस कुशा को रख दे और प्रार्थना करे, हे विश्वदेव, आप लोग इस देव श्राद्ध में अपना क्षण समय दें और प्रतीक्षा करें। अक्षयद्यक और आसन समर्पण के वाक्य में विश्वेदेव और पितरों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आवाहन वाक्य में द्वितीय विभक्ति बताई गई है। अन्न समर्पण के वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। शेष कार्य संबोधन पूर्वक करना चाहिए। कुश की पवित्री से युक्त दो पात्र लेकर उनमें शम नो देवी इत्यादि ऋचा का उच्चारण करके जल डाले, फिर यवो सी इत्यादि मंत्र बोलकर उसमें जव डाले। उसके बाद चुपचाप बिना मंत्र के ही गन और पुष्प छोड़ दे।
इस प्रकार अर्घ्य पात्र तैयार हो जाने पर विश्वे देवाः स इत्यादि मंत्र से विश्व देवों का आवाहन करें। तदनंतर या दिव्या अपहा इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके एकाग्रचित हो पितृ और मातामह संबंधी विश्व देवों को संकल्प पूर्वक क्रमशः अर्घ्य दे। उसके बाद गंध पत्र पुष्प यज्ञोपवीत धूप दीप आदि के द्वारा उन देवताओं को पूजन करें। तत्पश्चात विश्व देवों से आज्ञा लेकर पितृगणों का पूजन करें। उनके लिए सदा तिल युक्त कुशों वाला आसन देना चाहिए। उन्हें अर्घ्य देने के लिए द्विज पूर्ववत तीन पात्र रखें। शमनो देवी इत्यादि मंत्र से जल डालकर तिलोसी सोम देवत्यो इत्यादि मंत्र से तिल डाले। फिर उशंतस्वा इत्यादि मंत्र द्वारा पितरों का आवाहन करके ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो। या दिव्यापहा इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके पूर्ववत संकल्प पूर्वक पितरों को समर्पित करें। अर्घ्य पात्र को उलटकर पितरों के वाम भाग में रखना चाहिए। साधु शिरोमणि, तदनंतर गंध पत्र पुष्प धूप दीप वस्त्र और आभूषण से अपनी शक्ति के अनुसार उन सब की पूजा करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष घृत सहित अन्न का ग्रास ले अग्नो करिष्ये अग्नि में होम करूंगा ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों से इसके लिए आज्ञा ले। मुने करवई अथवा करवाणी करूं ऐसा कहकर श्राद्धकर्ता के पूछने पर ब्राह्मण लोग कुरुष्व क्रियताम अथवा कुरु करो ऐसा कहें। इसके बाद अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताए हुए विधि के अनुसार उपासना अग्नि की स्थापना करके उसमें पूर्वोक्त अन्न के ग्रास की दो आहुतियां डालें। उस समय सोमाय पितृमते स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करें। फिर अग्नये कव्य वाहनाय स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करें। विद्वान पुरुष अंत में स्वधा की जगह स्वाहा लगाकर भी पितृयज्ञ की भांति आहुति दे सकते हैं। इन दो आहुतियों से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अग्नि के अभाव में अर्थात यजमान की अग्निहोत्री न होने पर ब्राह्मण के हाथ में दानरूप होम करने का विधान है। ब्राह्मण जैसा आचार हो उसके अनुसार ब्राह्मण के हाथ या अग्नि में उक्त होम करना चाहिए। पार्वण उपस्थित होने पर अग्नि को दूर नहीं करना चाहिए। विप्रवर, यदि पार्वण उपस्थित होने पर अपनी उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्नि की स्थापना करके उसमें होम आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात विद्वान पुरुष उस अग्नि का विसर्जन कर दे। यदि क्षयाह निधन अधीन तिथि प्राप्त हो और उपासना अग्नि दूर हो तो अपने अग्निहोत्री द्विज भाइयों से विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न करावे। द्विज श्रेष्ठ, श्राद्धकर्ता प्राचीन आविति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके अग्नि में होम करे और होमा अवशिष्ट अन्न को ब्राह्मण के पात्रों में भगवत स्मरण पूर्वक डाले। फिर स्वादिष्ट भक्ष भोज्य लेय आदि के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करे। तदनंतर एकाग्र चित्त हो विश्वे देव और पितर दोनों के लिए अन्न परोसे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे। आगंछन्तु महाभागा विश्वे देवो महाबलाः ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। महान बलवान महाबाक विश्वे देवे गण यहाँ पधारे और जो इस श्राद्ध में विहित हो वे उसके लिए सावधान रहे। इस प्रकार विश्व देवों से प्रार्थना करें। ये देवा सहा इत्यादि मंत्र से भी उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। देव पक्ष के ब्राह्मणों से भी ऐसी ही प्रार्थना करें। उसके बाद ये चेह पितरो इत्यादि मंत्र से पितरों की अभ्यर्थना करके निम्नांकित मंत्र से उनको नमस्कार करें। अमूर्ता नाम च मूर्ता नाम पितृणाम दीप्त तेज साम नमस्यामि सदा तेषाम ध्यानिनाम योग चक्षुषाम। जिनका तेज सब और प्रकाशित हो रहा है, जो ध्यान परायण तथा योग दृष्टि से संपन्न है, उन मूर्त पितरों को तथा अमूर्त पितरों को भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पितरों को प्रणाम करके श्राद्धकर्ता पुरुष भगवान नारायण का चिंतन करते हुए दिए हुए हविष्य तथा श्राद्ध कर्म को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित करते। इसके बाद वे सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रारंभ करें। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह हविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। पाक आदि की प्रशंसा या निंदा न करें, सर्वथा मौन रहे। भोजन पात्र को हाथ से स्पर्श किए हुए ही भोजन करें। यदि कोई श्राद्ध में नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्र को सर्वथा छोड़ देता है तो उसे श्राद्धहंता जानना चाहिए, वह नरक में पड़ता है। भोजन करने वाले ब्राह्मणों में से कुछ लोग यदि एक दूसरे का स्पर्श कर लें और अन्न का त्याग न करके उसे खा लें तो उसे स्पर्श जनित दोष का निवारण करने के लिए उन्हें 800 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करते हों
उस समय श्राद्ध करता पुरुष श्रद्धा पूर्वक कभी पराजित न होने वाले अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण करे। रक्षोघ्न मंत्र, वैष्णव सूक्त तथा विशेषतः पितृ संबंधी मंत्रों का पाठ करे। इसके सिवा पुरुष सूक्त, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, पवमान सूक्त तथा यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का जप करे। अन्य पुण्यदायक प्रसंगों का चिंतन करे। इतिहास पुराण तथा धर्म शास्त्रों का भी पाठ करे। नारद जी, जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करें तब तक इन सब का जप या पाठ करना चाहिए। जब वे भोजन कर लें उस समय परोसने वाले पात्र में बचा हुआ उच्छिष्ट के समीप भूमि पर बिखेर दे, ये विकीर्णन कहलाता है। उस समय मधुवाता रुतायते इत्यादि सूक्त का जप करे। नारद जी, इसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष स्वयं दोनों पैर धोकर भली भांति आचमन कर ले। फिर ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर पिंड दान करे, स्वस्ति वाचन कराकर अक्षय देख दे तर्पण करे। उसे देकर एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मणों का अभिवादन करे, उल्टे हुए अर्घ पात्रों को सीधा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उनसे स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ले। जो द्विज अर्घ पात्र को हिलाए या सीधा किए बिना दक्षिणा लेते और स्वस्ति वाचन करते हैं उनके पितर एक वर्ष तक उच्छिष्ट भोजन करते हैं। स्मृति कथित गोत्रम नो वर्धताम दातारो नो भिवर दंताम इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करे। तदनंतर उन्हें प्रणाम करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, गंध एवं तांबुल अर्पित करे। उल्टे हुए अर्घ पात्र को उत्तान करने के बाद हाथ में लेकर स्वधा का उच्चारण करे। फिर वाजे वाजे इत्यादि ऋचा को पढ़कर पितरों का, देवताओं का विसर्जन करे। श्राद्ध भोजन करने वाला ब्राह्मण तथा श्राद्धकर्ता यजमान दोनों उस रात में मैथुन का त्याग करे। उस दिन स्वाध्याय तथा रास्ता चलने का कार्य यत्न पूर्वक छोड़ दे। जो कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहा हो, जिसे कोई रोग हो तथा जो दनहीन हो, वो पुरुष पाक न बनाकर कच्चे अन्न से श्राद्ध करे और जिसकी पत्नी रजस्वला होने से स्पर्श करने योग्य न हो, वो दक्षिणा रूप से सुवर्ण देकर श्राद्ध कार्य संपन्न करे। यदि धन का अभाव हो और ब्राह्मण भी न मिले तो बुद्धिमान पुरुष केवल अन्न का पाक बनाकर पितृ सूक्त के मंत्र से उसका होम करे। ब्राह्मण यदि उसके पास अन्नमय हविष्य का अभाव हो तो यथाशक्ति घास लेकर पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से गौओं को अर्पण करे, अथवा स्नान करके विधि पूर्वक तिल और जल से पितरों का तर्पण करे, अथवा विद्वान पुरुष निर्जन वन में चला जाए और मैं महापापी दरिद्र हूँ ये कहते हुए उच्च स्वर से रुदन करे। मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे संपत्तिशाली होते हैं और उनकी संतान परंपरा का नाश नहीं होता। जो श्राद्ध में पितरों का पूजन करते हैं उनके द्वारा साक्षात भगवान विष्णु पूजित होते हैं और जगदीश्वर भगवान विष्णु के पूजित होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता, पीतर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध और मनुष्य के रूप में सनातन भगवान विष्णु ही विराजमान है। उन्हीं से ये स्थावर जंगम रूम जगत उत्पन्न हुआ है। अतः दाता और भोक्ता सब भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के आधार, सर्वभूत स्वरूप तथा अविनाशी है। उनके स्वभाव की कहीं भी तुलना नहीं है। वे ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। एकमात्र भगवान जनार्दन ही परब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार तुमसे श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन किया गया। इस विधि से श्राद्ध करने वालों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध काल में भक्तिपूर्वक प्रसंग का पाठ करता है उसके पितर संतुष्ट होते हैं और संतति बढ़ती है। व्रत, दान और श्राद्ध आदि के लिए तिथियों का निर्णय। श्री सनक जी कहते हैं, ब्राह्मण, श्रुतियों और स्मृतियों में कहे हुए जो व्रत, दान और अन्य वैदिक कर्म हैं, वे यदि अनिर्णित अनिश्चित तिथियों में किए जाएं तो उनका कोई फल नहीं होता। एकादशी, अष्टमी, षष्ठी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अमावस्या और तृतीया, ये परतिथि से विध संयुक्त होने पर उपवास और व्रत आदि में श्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्व तिथि से संयुक्त होने पर ये व्रत आदि में ग्राह्य नहीं होती है। कोई कोई आचार्य कृष्ण पक्ष में सप्तमी, चतुर्दशी, तृतीया और नवमी को पूर्व तिथि से विध होने पर भी श्रेष्ठ कहते हैं, परंतु संपूर्ण व्रत आदि में शुक्ल पक्ष ही उत्तम माना गया है और अपराह्न की अपेक्षा पूर्वाह्न को व्रत में ग्रहण करने योग्य काल बताया गया है, क्योंकि वो उससे अत्यंत श्रेष्ठ। रात्रि व्रत में सदा वही तिथि ग्रहण करनी चाहिए जो प्रदोष काल तक मौजूद रहे। दिन के व्रत में दिन व्यापिनी तिथियां ही व्रतादि कर्म करने के लिए पवित्र मानी गई। इसी प्रकार रात्रि व्रतों में तिथियों के साथ रात्रि का संयोग बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। श्रवण द्वादशी के व्रत में सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी ग्रहण करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण
और चंद्र ग्रहण में जब तक ग्रहण लगा रहे तब तक की तिथि जप आदि में ग्रहण करने योग्य। अब संपूर्ण संक्रांतियों में होने वाले पुण्यकाल का वर्णन किया जाता है। सूर्य की संक्रांतियों में स्नान दान और जप आदि करने वालों को अक्षय फल प्राप्त होता है। इन संक्रांतियों में कर्क की संक्रांति को दक्षिणायन संक्रम जानना चाहिए। कर्क की संक्रांति में विद्वान लोग पहले की 30 घड़ी को पुण्यकाल मानते हैं। वृश्चिक सिंह और कुंभ राशि की संक्रांतियों में पहले के 8 मुहूर्त यानी 16 घड़ी स्नान और जप आदि में ग्राह्य है। और तुला तथा मेष की संक्रांतियों में पूर और पर की 10-10 घड़ियां स्नान आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इनमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मन कन्या मिथुन मीन और धन की संक्रांतियों में बाद की 16 घटिकाएं पुण्यदायक जाननी चाहिए। मकर संक्रांति को उत्तरायण संक्रम कहा गया है। इसमें पूर्व की 40 और बाद की 30 घड़ियां स्नान दान आदि के लिए पवित्र मानी गई है। विप्रवर यदि सूर्य और चंद्रमा ग्रहण लगे हुए ही अस्त हो जाएं, तो दूसरे दिन उनका शुद्ध मंडल देखकर ही भोजन करना चाहिए। धर्म की इच्छा रखने वाले विद्वानों ने अमावस्या 2 प्रकार की बताई है, सीनी वाली और कुहू, जिसमें चंद्रमा की कला देखी जाती है वह चतुर्दशी युक्त अमावस्या सीनी वाली कही जाती है, और जिसमें चंद्रमा की कला का सर्वथा क्षय हो जाता है वो चतुर्दशी युक्त अमावस्या कुहू मानी जाती है। अग्निहोत्री द्विजों की श्राद्ध कर्म में सिनी वाली अमावस्या को ही ग्रहण करना चाहिए तथा स्त्रियों शूद्रों और अग्निरय द्विजों को कुहू में श्राद्ध करना चाहिए। यदि अमावस्या तिथि अपराहन काल में व्याप्त हो तो क्षय मृत्यु कर्म में, पूर्व तिथि और वृद्धि जन्म कर्म में उत्तर तिथि को ग्रहण करना चाहिए। यदि अमावस्या मध्यान्ह काल के बाद प्रतीत हो तो शास्त्र कुशल साधु पुरुषों ने उसे भूत विद्या चतुर्दशी से संयुक्त कहा है। जब तिथि का अत्यंत क्षय होने से दूसरे दिन वो अपराहन व्यापिनी न हो तब पूर्व दिन की सायंकाल व्यापिनी सीनी वाली तिथि को ही श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए। यदि तिथि की अतिशय वृद्धि होने पर वो दूसरे दिन अपराहन काल तक चली गई हो तो चतुर्दशी विधवा अमावस को त्याग दे और कुहू को ही श्राद्ध कर्म में ग्रहण करे। यदि अमावस्या तिथि एक मध्यान्ह से लेकर दूसरे मध्यान्ह तक व्याप्त हो तो इच्छानुसार पूर्व या पर दिन की तिथि को ग्रहण करें। मुनिश्रेष्ठ अब मैं संपूर्ण पर्वों पर होने वाले अन्वाधान अग्निस्थापन का वर्णन करता हूँ। प्रतिपदा के दिन याग करना चाहिए। पर्व के अंतिम चतुर्थांश और प्रतिपदा के प्रथम 3 अंश को मनीषी पुरुषों ने याग का समय बताया है। याग का आरम्भ प्रातःकाल करना चाहिए। विप्रवर यदि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मध्यान्ह काल में व्याप्त हो तो दूसरे ही दिन याग का मुख्य काल नियत किया गया है। यदि अमावस्या और पूर्णिमा दूसरे दिन संगव काल प्रातः काल से 6 घड़ी के बाद हो तो दूसरे ही दिन पुण्यकाल होता है। तिथि क्षय में भी ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिए। सभी लोगों को दशमी रहित एकादशी तिथि व्रत में ग्रहण करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी 3 जन्मों के कमाए हुए पुण्य का नाश कर देती है। यदि एकादशी द्वादशी में एक कला भी प्रतीत हो तो संपूर्ण दिन द्वादशी हो और द्वादशी भी त्रयोदशी में मिली हुई हो तो दूसरे दिन की तिथि द्वादशी ही उत्तम मानी गई है। यदि संपूर्ण दिन शुद्ध एकादशी हो और द्वादशी में भी उसका संयोग प्राप्त होता हो तथा रात्रि के अंत में त्रयोदशी आ जाए तो उस विषय में निर्णय बतलाता हूँ। पहले दिन की एकादशी गृहस्थों को करनी चाहिए और दूसरे दिन की विरक्तों को। यदि कलाभर भी द्वादशी न रहने से पाराणा का अवसर न मिलता हो तो उस दशा में दशमी विद्या एकादशी को भी उपवास व्रत करना चाहिए। यदि शुक्ल या कृष्ण पक्ष में 2 एकादशियां हों तो पहली गृहस्थों के लिए और दूसरी विरक्त यतियों के लिए ग्राह्य मानी गई है। यदि दिन भर दशमी युक्त एकादशी हो और दिन की समाप्ति के समय द्वादशी में भी कुछ एकादशी हो तो सबके लिए दूसरे ही दिन द्वादशी व्रत बताया गया है। यदि दूसरे दिन द्वादशी न हो तो पहले दिन की दशमी विद्या एकादशी भी व्रत में ग्राह्य है, और यदि दूसरे दिन द्वादशी है तो पहले दिन की दशमी विद्या एकादशी भी निषिद्ध ही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में द्वादशी को व्रत करना चाहिए। यदि एक ही दिन एकादशी द्वादशी तथा रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी भी आ जाए तो त्रयोदशी में पारणा करने पर 12 द्वादशियों का पुण्य होता है। यदि द्वादशी के दिन कला मात्र ही एकादशी हो और त्रयोदशी में द्वादशी का योग हो या ना हो तो गृहस्थों के पहले दिन की विद्या एकादशी भी व्रत में ग्रहण करनी चाहिए और विरक्त साधुओं तथा विधवाओं को दूसरे दिन की तिथि द्वादशी स्वीकार करना चाहिए।
यदि पूरे दिन भर शुद्ध एकादशी हो, द्वादशी में उसका तनिक भी योग न हो तथा द्वादशी त्रयोदशी में संयुक्त हो तो वहाँ कैसे व्रत रहना चाहिए, इसका उत्तर देते हैं। गृहस्थों को पूर्व की एकादशी तिथि में व्रती रहना चाहिए और विरक्त साधुओं को दूसरे दिन की द्वादशी तिथि। कोई कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सब लोगों को दूसरे दिन की तिथि में ही भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिए। जब एकादशी दशमी से विध हो, द्वादशी में उसकी प्रतीति न हो और द्वादशी त्रयोदशी से संयुक्त हो तो उस दशा में सबको शुद्ध द्वादशी तिथि में उपवास करना चाहिए, इसमें संशय नहीं। कुछ लोग पूर्व तिथि में व्रत कहते हैं किंतु उनका मत ठीक नहीं है। जो रविवार को दिन में, अमावस्या और पूर्णिमा को रात में, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को दिन में तथा एकादशी तिथि को दिन और रात दोनों में भोजन कर लेता है उसे प्रायश्चित रूप में चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर तीन पहर पहले से ही भोजन न करे। यदि कोई कर लेता है तो वो मदिरा पीने वाले के समान होता है मुनि श्रेष्ठ। यदि अग्न्याध्यान और दर्श पूर्णिमा आदि याग के बीच चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण हो जाए तो यज्ञकर्ता पुरुषों को प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण चंद्र ग्रहण में दशमे सोमः आप्यायस्व तथा सोमोपास्ते इन तीन मंत्रों से हवन करें और सूर्य ग्रहण होने पर हवन करने के लिए उद्युत्तम जातवेदसम आसत्तेन उद्वय तमसः ये तीन मंत्र बताए गए हैं। जो पंडित इस प्रकार स्मृति मार्ग से तिथि का निर्णय करके व्रत आदि करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है वो धर्म है। धर्म से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, अतः धर्मपरायण मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम में जाते हैं। जो धर्माचरण करना चाहते वे साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, अतः संसार रूपी रोग उन्हें कोई बाधा नहीं पहुँचाता। पापों के प्रायश्चित का विधान तथा भगवान विष्णु के आराधन की महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी अब मैं प्रायश्चित की विधि का वर्णन करूंगा, सुनिए। संपूर्ण धर्मों का फल चाहने वाले पुरुषों को काम क्रोध से रहित धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मणों से धर्म की बात पूछनी चाहिए। विप्रवर जो लोग भगवान नारायण से विमुख हैं उनके द्वारा किए हुए प्रायश्चित उन्हें पवित्र नहीं करते, ठीक उसी तरह जैसे मदिरा के पात्र को नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती। ब्रह्म हत्यारा मदिरा पीने वाला, स्वर्ण आदि वस्तुओं की चोरी करने वाला तथा गुरुपत्नी गामी ये चार महापात्र की कहे गए हैं तथा इनके साथ संपर्क करने वाला पुरुष पांचवा महापात्र की है। जो इनके साथ एक वर्ष तक सोने बैठने और भोजन करने आदि का संबंध रखते हुए निवास करता है उससे भी सब कर्मों से पति समझना चाहिए। अज्ञातवश ब्राह्मण हत्या हो जाने पर चीर वस्त्र और जटा धारण करे और अपने द्वारा मारे गए ब्राह्मण की कोई वस्तु ध्वज दंड में बांधकर उसे लिए हुए वन में घूमे, वहाँ जंगली फल मूलों का आहार करते हुए निवास करे। दिन में एक बार परिमित भोजन करे, तीनों समय स्नान और विधि पूर्वक संध्या करता रहे, अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य छोड़ दे। निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करता रहे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे और गंध एवं माला आदि भोग्य वस्तुओं को छोड़ दे। तीर्थों तथा पवित्र आश्रमों में निवास करे। यदि वन में फल मूलों से जीविका न चले तो गांव में जाकर भिक्षा मांगे। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए 12 वर्ष का व्रत करे। ऐसे ब्रह्म हत्यारा शुद्ध होता और ब्राह्मण उचित कर्म करने के योग्य हो जाता। व्रत के बीच में यदि हिंसक जंतुओं अथवा रोगों से उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि गौ अथवा ब्राह्मणों के लिए प्राण त्याग दे या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 10,000 उत्तम गायों का दान करे तो इससे भी उसकी शुद्धि होती है। इनमें से एक भी प्रायश्चित करके ब्रह्म हत्यारा पाप से मुक्त हो सकता है। यज्ञ में दीक्षित क्षत्रिय का वध करके भी ब्रह्म हत्या का ही व्रत करे अथवा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए या किसी ऊंचे स्थान से वायु के झोंके खाकर गिर जाए। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर दुगुने व्रत का आचरण करे। आचार्य आदि की हत्या हो जाने पर चौगुना व्रत बतलाया गया है। नाम मात्र के ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो एक वर्ष तक व्रत करे। ब्राह्मण इस प्रकार ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित की विधि बतलाई गई है। यदि क्षत्रिय के द्वारा उपर्युक्त पाप हो जाए तो उसके लिए दुगुना और वैश्य के लिए तीन गुना प्रायश्चित बताया गया है। जो शूद्र ब्राह्मण का व्रत करता है उसे विद्वान पुरुष मुसल से मार डालने योग्य मानते हैं।
राजा को ही उसे दंड देना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। ब्राह्मणी के वध में आधा और ब्राह्मण कन्या के वध में चौथाई प्रायश्चित कहा गया है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो ऐसे ब्राह्मण बालकों का वध करने पर भी चौथाई व्रत करें। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का वध कर डाले तो वह 6 वर्षों तक कृच्छ व्रत का आचरण करे। वैश्य को मारने पर 3 वर्ष और क्षुद्र को मारने पर 1 वर्ष तक व्रत करें। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की धर्म पत्नी का व्रत करने पर 8 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करें। मुनिश्रेष्ठ, वृद्ध रोगी स्त्री और बालकों के लिए सर्वत्र आधे प्रायश्चित का विधान बताया गया है। सुरा मुख्य 3 प्रकार की जाननी चाहिए। गौड़ी गुड़ से तैयार की हुई, पैष्टी चावलों आदि के आटे से बनाई हुई तथा माधवी फूल के रस अंगूर या महुए से बनाई हुई। नारद जी, चारों वर्णों के पुरुषों तथा स्त्रियों को इनमें से कोई भी सुरा नहीं पीनी चाहिए। मुने, शराब पीने वाला द्विज स्नान करके गीले वस्त्र पहने हुए मन को एकाग्र करके भगवान नारायण का निरंतर स्मरण करे और दूध घी अथवा गौमूत्र को तपाए हुए लोहे के समान गर्म करके पी जाए। पीर जीवित रहे तो जल पीवे, वो भी लौह पात्र अथवा आयस पात्र से पिए या तांबे के पात्र से पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा करने पर ही मदिरा पीने वाला द्विज उसे पाप से मुक्त होता है। अनजान में पानी समझकर जो द्विज शराब पी ले तो विधि पूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करे, किंतु उसके चिन्हों को न धारण करे। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन की दृष्टि से कोई द्विज शराब पी ले तो उसका फिर उपनयन संस्कार करके उसे 2 चांद्रायण व्रत कराने चाहिए। शराब से छुआए हुए पात्र में भोजन करना, जिसमें कभी शराब रखी गई हो उसका पात्र का जल पीना तथा शराब से भीगी हुई वस्तु को खाना, ये सब शराब पीने के ही समान बताया गया है। ताड़ कटहल अंगूर खजूर और महुआ से तैयार की हुई तथा पत्थर से आटे को पीसकर बनाई हुई अरिष्ट मैरय और नारियल से निकाली हुई गुड़ की बनाई हुई तथा माधवी, ये 11 प्रकार की मदिराएं बताई गई है। उपर्युक्त 3 प्रकार की मदिरा के ही ये 11 भेद हैं। इनमें से किसी भी मद्य को ब्राह्मण कभी न पीवे। यदि द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अज्ञानवश इनमें से किसी एक को पी ले तो फिर से अपना उपनयन संस्कार कराकर तब तक रुच्छ व्रत का आचरण करे। जो सामने या परोक्ष में बलपूर्वक या चोरी से दूसरों के धन को ले लेता है उसका यह कर्म विद्वान पुरुष द्वारा स्तेय चोरी कहा गया है। मनु आदि ने सुवर्ण की माप की परिभाषा इस प्रकार की है। विप्रवर, वो मान माप आगे कहे जाने वाले प्रायश्चित की उक्ति का साधन, अतः उसका वर्णन करता हूँ। सुनिए, झरोखे के छिद्र से घर में आई हुई सूर्य की जो किरणें हैं उनमें से जो उत्पन्न सूक्ष्म धूलिकण उड़ता दिखाई देता है उसे विद्वान पुरुष त्रसरेणु कहते हैं। वही त्रसरेणु का माप है। 8 त्रसरेणु का 1 निष्क होता है और 3 निष्कों का 1 राजस सर्प राई बताया गया है। 3 राजसर्षपों का 1 गौर सर्षप पीली सरसों होता है और 6 गौर सर्षपों का 1 यव कहा जाता है। 3 यव का 1 कृष्णल होता है। 5 कृष्णल का 1 माशा माना गया है। नारद जी, 16 माशे के बराबर 1 सुवर्ण होता है। यदि कोई मूर्खता से सुवर्ण के बराबर ब्राह्मण के धन का अर्थात 16 माशा सोने का अपहरण कर लेता है तो उसे पूर्ववत 12 वर्षों तक कपाल और ध्वज के चिन्हों से रहित ब्रह्म हत्या व्रत करना चाहिए। गुरुजन, यज्ञ करने वाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा क्षत्रिय ब्राह्मणों के सुवर्ण को चुरा लेने पर इस प्रकार प्रायश्चित करें। पहले उस पाप के कारण बहुत पश्चाताप करें, फिर संपूर्ण शरीर में घी का लेप करें और कंडे से अपने शरीर को ढककर आग लगाकर जल मरें। तभी वो उस चोरी से मुक्त होता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को चुरा ले और पश्चाताप होने पर फिर उसे वही लौटा दे तो उसके लिए प्रायश्चित की विधि मुझसे सुनिए। ब्रह्मर्षि, वो 12 दिनों तक उपवास पूर्वक शांत पन व्रत करके शुद्ध होता है। रत्न सिंहासन मनुष्य स्त्री दूध देने वाली गाय तथा भूमि आदि पदार्थ भी स्वर्ण के ही समान माने गए हैं। इनकी चोरी करने पर आधा प्रायश्चित कहा है। राजस सर्प राई बराबर सोने की चोरी करने पर 4 प्राणायाम करने चाहिए। गौरस सर्प बराबर स्वर्ण का अपहरण कर लेने पर विद्वान पुरुष स्नान करके विधि पूर्वक 8000 गायत्री का जप करे। जो बराबर स्वर्ण को चुराने पर द्विज यदि प्रातकाल से लेकर सायंकाल तक वेद माता गायत्री का जप करे तो उसे शुद्ध होता है। कृष्णल बराबर स्वर्ण की चोरी करने पर मनुष्य शांत अपन व्रत करे।
यदि एक माशा के बराबर सोना चुरा ले तो वह एक वर्ष तक गौमूत्र में पकाया हुआ जौ खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनीश्वर, पूरे 16 माशा सोने की चोरी करने पर मनुष्य एकाग्र चित्त हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब गुरु पत्नीगामी पुरुषों के लिए प्रायश्चित्त का वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य अज्ञानवश माता अथवा सौतेली माता से समागम कर ले तो लोगों पर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अंडकोशों को काट ले और हाथ में उस अंडकोश को लिए हुए नैऋत्य कोण में चलता जाए। जाते समय मार्ग में कभी सुख दुख का विचार ना करे। जो इस प्रकार किसी यात्री की ओर ना देखते हुए प्राणांत होने तक चलता जाता है वह पाप से शुद्ध होता है। अथवा अपने पाप को बताते हुए किसी ऊंचे स्थान से हवा के झोंके के साथ कूद पड़े। यदि बिना विचारे अपने वर्ण की या अपने से उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। द्विज श्रेष्ठ, जो बिना जाने हुए कई बार समान वर्ण या उत्तम वर्ण वाली स्त्री से समागम कर ले तो वह कंडे की आंख में जलकर शुद्धि को प्राप्त होता है। यदि वीर्यपात से पहले ही माता के साथ समागम से निवृत्त हो जाए तो ब्रह्म हत्या का व्रत करे और यदि वीर्यपात हो जाए तो अपने शरीर को अग्नि में जला दे। यदि अपने वर्ण की तथा अपने से उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ समागम करने वाला पुरुष वीर्यपात से पहले ही निवृत्त हो जाए तो भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 9 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। मनुष्य यदि काम से मोहित होकर मौसी, बुआ, गुरुपत्नी, सास, चाची, मामी और पुत्री से समागम कर ले तो 2 दिन तक समागम करने पर उसे विधि पूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करना चाहिए और 3 दिन तक संभोग करने पर वो आग में जल जाए तभी शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। मुनीश्वर, जो काम के अधीन हो चंडाली, पुष्कसी, भील जाति की स्त्री, पुत्रवधू, बहिन, मित्र पत्नी तथा शिष्य की स्त्री से समागम करता है वो 6 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब महापातकी पुरुषों के साथ संसर्ग का प्रायश्चित ही बतलाया जाता है। ब्रह्म हत्या रे आदि 4 प्रकार के महापातकियों से जिसके साथ जिस पुरुष का संसर्ग होता है वो उसके लिए विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करके निश्चय शुद्ध हो जाता है। जो बिना जाने 5 रात तक इनके साथ रह लेता है उसे विधि पूर्वक प्राजापत्य कृच्छ नामक व्रत करना चाहिए। 12 दिनों तक उनके साथ संसर्ग हो जाए तो उसका प्रायश्चित महाशांतपन व्रत बताया गया है और 15 दिनों तक महापातकियों का साथ कर लेने पर मनुष्य 12 दिन तक उपवास करे। 1 मास तक संसर्ग करने पर पराक व्रत और 3 मास तक संसर्ग हो तो चंद्रायन व्रत का विधान। 6 महीने तक महापात की मनुष्यों का संग करके मनुष्य 2 चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करे। 1 वर्ष से कुछ कम समय तक उनका संग करने पर 6 महीने तक चंद्रायन व्रत का पालन करे और यदि जानबूझकर महापातक की पुरुषों का संग किया जाए तो क्रमशः इन सब का प्रायश्चित ऊपर बताए हुए प्रायश्चित से 3 गुना बताया गया है। मेढक, नेवला, कौवा, सुअर, चूहा, बिल्ली, बकरी, भेड़, कुत्ता और मुर्गा, इनमें से किसी का वध करने पर ब्राह्मण अर्धकृच्छ व्रत का आचरण करे और घोड़े की हत्या करने वाला मनुष्य अतिकृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी की हत्या करने पर तप्त कृच्छ और गो हत्या करने पर पराक व्रत करने का विधान है। यदि स्वेच्छा से जानबूझकर गौओं का वेद किया जाए तो मनीषी पुरुषों ने उसकी शुद्धि का कोई भी उपाय नहीं देखा। पीने योग्य वस्तु, शैया, आसन, फूल, फल, मूल तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों की चोरी के पाप का शोधन करने वाला प्रायश्चित पंचगव्य का पान कहा गया है। सूखे काठ, टिनके, वृक्ष, गुड़, चमड़ा, वस्त्र और मांस, इनकी चोरी करने पर 3 रात उपवास करना चाहिए। टिटिहरी, चकवा, हंस, कारंडव, उल्लू, सारस, कबूतर, जलमुर्गा, तोता, नीलकंठ, बगुला, सूस और कछुआ, इनमें से किसी को भी मारने पर 12 दिनों तक उपवास करना चाहिए। वीर्य, मल और मूत्र खा लेने पर प्राजापत्य व्रत करे। शूद्र का झूठा खाने पर 3 चंद्रायन व्रत करने का विधान है। रजस वाला स्त्री, चांडाल महापात की, सूती का पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदि का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित स्नान करे और घृत पीवे। नारद जी, इसके सिवा 800 गायत्री का जप करे तब वह शुचित होता है। ब्राह्मण और देवताओं की निंदा सब पापों से बड़ा पाप है। विद्वानों ने जो जो पाप महापातक के समान बताए हैं उन सब का इस प्रकार विधि पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। जो भगवान नारायण की शरण लेकर प्रायश्चित करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो राग द्वेष आदि से मुक्त हो पापों के लिए प्रायश्चित करता है, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और भगवान विष्णु के स्मरण में तत्पर रहता है वो महापातकों से अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त हो तो भी उसे सब पापों से मुक्ति समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भजन में लगा हुआ है।
जो मानव अनादि अनंत विश्वरूप तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण का चिंतन करता है वह करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का स्मरण पूजन ध्यान अथवा नमस्कार किया जाए तो वे सब पापों का निश्चय ही नाश कर देते। जो किसी के संपर्क से अथवा मोहवश भी भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो उनके वैकुंठ धाम में जाता है। नारद जी, भगवान विष्णु के एक बार स्मरण करने से संपूर्ण क्लेशों की राशि नष्ट हो जाती है तथा उसी मनुष्य को स्वर्गादि भोगों की प्राप्ति होती है। यह स्वयं ही अनुमान हो जाता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो लोग इसे पाते हैं वे धन्य हैं। मानव जन्म मिलने पर भी भगवान की भक्ति और भी दुर्लभ बताई गई, इसलिए बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर एवं दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। वे भगवान ही अज्ञानी जीवों को अज्ञानमय बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भगवान के भजन से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा मन की शुद्धि होती है। भगवान जनार्दन के पूजित होने पर मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान की आराधना में लगे हुए मनुष्यों के धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ अवश्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अरे पुत्र स्त्री घर खेत धन और धान्य नाम धारण करने वाली मानवी वृत्ति को पाकर तू घमंड न कर। क्राम क्रोध लोभ मोह मत परापवाद और निंदा का सर्वथा त्याग करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन कर। सारे व्यापार छोड़कर भगवान जनार्दन की आराधना में लग जा। यमपुरी के वे वृक्ष समीपी दिखाई देते हैं, जब तक बुढ़ापा नहीं आता मृत्यु भी जब तक नहीं आ पहुँचती और इंद्रियां जब तक शिथिल नहीं हो जाती तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। ये शरीर नाशवान है, बुद्धिमान पुरुष इस पर कभी विश्वास न करे। मौत सदा निकट रहती है, धन वैभव अत्यंत चंचल है और शरीर कुछ ही समय में मृत्यु का ग्रास बन जाने वाला है। अतः अभिमान छोड़ दे। महाभाग संयोग कांत वियोगी है, यह सब कुछ क्षणभंगुर है, ये जानकर भगवान जनार्दन की पूजा कर। मनुष्य आशा से कष्ट पाता है, उसके लिए मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है। जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करता है वो महापातक की होने पर भी उसे परम धाम को जाता है, जहाँ जाकर किसी को शोक नहीं होता। साधु शिरोमणि, संपूर्ण तीर्थ समस्त यज्ञ और अंगों सहित सब वेद भी भगवान नारायण के पूजन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हैं उन्हें वेद यज्ञ और शास्त्रों से क्या लाभ हुआ, उन्होंने तीर्थों की सेवा करके क्या पाया तथा उनके तप और व्रत से भी क्या होने वाला है। जो अनंत स्वरूप निरीह ओंकार बोध्य वरेण्य वेदांत वेद्य तथा संसार रूपी रोग के वैद्य भगवान विष्णु का यजन करते हैं वे मनुष्य उन्हीं भगवान अच्युत के वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अनादि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न जगत के आधार देवताओं के आराध्य तथा ज्योतिह स्वरूप परम पुरुष भगवान अच्युत का स्मरण करता है वह नर अपने नित्य सखा नारायण को प्राप्त कर लेता है। यमलोक के मार्ग में पापियों के कष्ट तथा पुण्यात्माओं के सुख का वर्णन एवं कल्पांतर में भी कर्मों के भोग का प्रतिपादन। श्री सनक जी बोले, ब्रह्मन सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यमलोक के मार्ग का वर्णन करता हूँ, वह पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है। मुनीश्वर, प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान करने वाले होते हैं वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं और जो धर्म से हीन है वे अत्यंत पीड़ित होकर बड़े दुख से यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्ग पर दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते जाते हैं, वे अत्यंत भयभीत और नंगे होते हैं, उनके कंठ ओठ और तालु सूख जाते हैं। यमराज के दूत चाबुक आदि से तथा अनेक प्रकार के आयुधों से उन पर आघात करते रहते हैं और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस पथ पर चल पाते। वहाँ कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी है, कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष है और कहीं ऐसे ऐसे पहाड़ है जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत दुखदायक होता है। कहीं कांटों की बहुत बड़ी बाढ़ लगी हुई है, कहीं कहीं कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं कंकड़ हैं, कहीं ढेले हैं और कहीं सुई के समान कांटे बिछे तथा कहीं बाघ गरजते रहते हैं। नारद जी, इस प्रकार पापी मनुष्य भांति भांति के क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पाश में बंधे होते हैं, कोई अंकुशों से खींचे जाते हैं और किन्हीं की पीठ पर अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ती रहती। इस दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं, किन्हीं की नाक छेद कर उसमें नकेल डाल दी जाती है और उसी को पकड़ कर खींचा जाता है।
कोई आंतों से बंधे रहते हैं और कुछ पापी अपने शिष्ट के अग्रभाग से लोहे का भारी भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। कोई नासिका के अग्रभाग द्वारा लोहे का दो भार ढोते हैं और कोई पापी दोनों कानों से दो लोह भार वहन करते हुए उस मार्ग पर चलते हैं। कोई अत्यंत उच्छ्वास लेते हैं और किन्हीं की आंखें ढक दी जाती। उस मार्ग में कई विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं। अतः पापी लोग जानकर या अनजान में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से यात्रा करते हैं। नारद जी, जो उत्तम बुद्धि वाले मानव धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज के लोक की यात्रा करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जलदान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही दान करने वाले तत्संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। विज श्रेष्ठ, घृत मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुधापान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। मुनि प्रवर, वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किया है वो उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गोदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। द्विज श्रेष्ठ, घोड़े हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वह देवताओं से पूजित हो प्रसन्न चित्त होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वह बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दयाभाव रखता है वह द्विज देवताओं से पूजित हो सर्वभोग समन्वित विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वर द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज चार भुजाओं से युक्त हो शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र के भांति उस पुण्यात्मा पुरुष की पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुषों, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता है वही पापियों में बड़ा है और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वो घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा। ये शरीर यातना रूप दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जो इस पर इसकी स्थिरता पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है। उनमें भी जो पशु पक्षी आदि बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ है। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ है। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य पालकों में भी ब्रह्मवादी वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में भी वो श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इनकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है इसमें संशय नहीं। तुम लोग संपूर्ण भोगों से संपन्न पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप हो तो पीछे यही आकर उसका फल भोगना। ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओं की पूजा करके उन्हें सदगति को पहुंचा देते हैं और पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज प्रलय काल के मेघ के समान भयंकर होती है और उनके शरीर की कांति कज्जलगिरि के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके 32 भुजाएं हो जाती। शरीर का विस्तार 3 योजन का होता है। उनकी लाल लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती है। सब दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर पापी जीव थर थर कांपने लगते हैं और अपने अपने कर्मों का विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सब पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुराचारी पापात्माओं, तुम सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियों ने काम क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त चित्त से किस लिए पाप का आचरण किया है। पहले तो बड़े हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पाप किए हैं, अब उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप तुमने किया है उसी के अनुसार कर्म अवश्य तुम यहाँ आ पहुंचे हो।
अब अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था उस समय ये भी क्यों नहीं विचार लिया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे। कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पंडित, और कायर हो या वीर, यमराज सबके साथ समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त का ये वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रूर, क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बलपूर्वक पकड़कर नरकों में फेंक देते। वहां अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप के फल स्वरूप वे भूतल पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया है। आपने ही कहा है कि जो लोग ग्राम दान आदि पुण्य कर्म करते रहते हैं, उन्हें कोटि सहस्त्र कल्पों तक उनका महान भोग प्राप्त होता रहता है। दूसरी ओर ये भी आपने बताया है कि प्राकृत प्रलय में संपूर्ण लोगों का नाश हो जाता है और एकमात्र भगवान विष्णु ही शेष रह जाते हैं। अतः मुझे ये संशय हुआ है कि प्रलय काल तक जीव के पुण्य और पाप भोग की क्या समाप्ति नहीं होती। आप इस संदेह का निवारण करने योग्य हैं। श्री सनक जी बोले, महाप्राज्ञ भगवान नारायण अविनाशी अनंत परम प्रकाश स्वरूप और सनातन पुरुष है। वे विशुद्ध निर्गुण नित्य और माया मोह से रहित हैं। परमानंद स्वरूप श्री हरि निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रूपों में अव्यक्त होकर भेदभाव से दिखाई देते हैं। वे ही माया के संयोग से संपूर्ण जगत का कार्य करते हैं। वे ही श्री हरि ब्रह्मा जी के रूप से सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, और अंत में भगवान रुद्र के रूप से वे ही सबको अपना ग्रास बनाते हैं। ये निश्चित सत्य है। प्रलय काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन ने शेष शैया से उठकर ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण चराचर विश्व की पूर्व कल्पों के अनुसार सृष्टि की है। विप्रवर, पूर्व कल्पों में जो जो स्थावर जंगम जीव जहाँ जहाँ स्थित है, नूतन कल्प में ब्रह्मा जी उस संपूर्ण जगत की पूर्ववत सृष्टि कर देते हैं। अतः साधु शिरोमणि, किए हुए पापों और पुण्यों का अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रलय हो जाने पर जीव के जिन कर्मों का फल शेष रह जाता है, दूसरे कल्प में नई सृष्टि होने पर वो जीव पुनः अपने पुरातन कर्मों का भोग भोगता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। पापी जीवों के स्थावर आदि योनियों में जन्म लेने और दुख भोगने की अवस्था का वर्णन श्री सनक जी कहते हैं, इस प्रकार कर्म पाश में बंधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्य स्थानों में पुण्य कर्मों का फल भोग कर तथा नरक यातनाओं में पापों का अत्यंत दुखमय फल भोग कर क्षीण हुए कर्मों के अवशेष भाग से इस लोक में आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और पर्वत तथा तृण ये स्थावर के नाम से विख्यात है। स्थावर जीव महामोह से आच्छन्न होते हैं। स्थावर योनियों में उनकी स्थिति इस प्रकार होती है, पहले वे बीज रूप से पृथ्वी में बोए जाते हैं, फिर जल से सींचने के पश्चात मूल भाव को प्राप्त होते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते, तने और पतली डाली आदि प्रकट होते हैं। उन शाखाओं से कलियां और कलियों से फूल प्रकट होते हैं। उन फूलों से ही वे धान्य वृक्ष फलवान होते हैं। स्थावर योनि में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वे भी दीर्घ काल तक काटने, दावानल में जलने तथा सर्दी गर्मी लगने आदि के महान दुख का अनुभव करके मर जाते हैं। तदनंतर वे जीव कीट आदि योनियों में उत्पन्न होकर सदा अतिशय दुख उठाते रहते हैं। अपने से बलवान प्राणियों द्वारा पीड़ा प्राप्त होने पर वे उसका निवारण करने में असमर्थ होते हैं। शीत और वायु आदि के भारी क्लेश भोगते हैं और नित्य भूख से पीड़ित हो मलमूत्र आदि में विचरते हुए दुख पर दुख उठाते रहते हैं। तदनंतर इसी क्रम से पशु योनि में आकर अपने से बलवान पशुओं की बाधा से भयभीत रहते हुए वे जीव अकारण भी भारी उद्वेग से कष्ट पाते रहते हैं। उन्हें हवा, पानी आदि का महान कष्ट सहन करना पड़ता है। अंडज पक्षी की योनि में भी वे कभी वायु पीकर रहते हैं और कभी मांस तथा अपवित्र वस्तुएं खाते हैं। ग्रामीण पशुओं की योनि में आने पर भी उन्हें कभी भार ढोने, रस्सी आदि से बांधे जाने, डंडों से पीट जाने तथा हल आदि धारण करने के समस्त दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत सी योनियों में क्रमशः भ्रमण करके वे जीव मनुष्य जन्म पाते हैं।
कोई पुण्य विशेष के कारण बिना क्रम के भी शीघ्र मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी नीच जातियों में नीच पुरुषों की टहल बजाने वाले दरिद्र अंगहीन तथा अधिक अंग वाले इत्यादि होकर वे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा अत्यंत दुख से पूर्ण ज्वर ताप शीत गुल्म रोग पाद रोग नेत्र रोग सिर दर्द गर्भ वेदना तथा पसली में दर्द होने आदि के भारी कष्ट भोगते हैं। मनुष्य जन्म में जब स्त्री और पुरुष मैथुन करते हैं उस समय वीर्य निकलकर जब जरायु गर्भाशय में प्रवेश करता है उसी समय जीव अपने कर्मों के वशीभूत हो उस वीर्य के साथ गर्भाशय में प्रविष्ट हो रज वीर्य के कलल में स्थित होता है। वह वीर्य जीव के प्रवेश करने के 5 दिन बाद कलल रूप में परिणित होता है। फिर 15 दिन के बाद वो पलल मांसपिंड की स्थिति भाग को प्राप्त हो 1 महीने में प्रादेश मात्र बड़ा हो जाता है। तब से लेकर पूर्ण चेतना का अभाव होने पर भी माता के उदर में दुस्सह ताप और क्लेश होने से वो एक स्थान पर स्थिर न रह सकने के कारण वायु की प्रेरणा से इधर उधर भ्रमण करता है। फिर 2रा महीना पूर्ण होने पर वो मनुष्य के आकार को पाता है। 3रे महीने की पूर्णता होने पर उसके हाथ पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं और 4 महीने बीत जाने पर उसके सब अवयवों की संधि का भेद ज्ञात होने लगता है। 5 महीने पर अंगुलियों में नख प्रकट होते हैं। 6 मास पूरे हो जाने पर नखों की संधि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभि में जो नाल होती है उसी के द्वारा अन्न का रस पाकर वो पुष्ट होता है। उसके सारे अंग पवित्र मलमूत्र आदि से भीगे रहते हैं। जरायु में उसका शरीर बंधा होता है और वह माता के रक्त हड्डी कीड़े वसा मज्जा स्नायु और केश आदि से दूषित तथा घृणित शरीर में निवास करता है। माता के खाए हुए कड़वे खट्टे नमकीन तथा अधिक गर्म भोजन से वह अत्यंत दग्ध होता रहता है। इस दुरावस्था में अपने आप को देखकर वह देहधारी जीव पूर्व जन्मों की स्मृति के प्रभाव से पहले के अनुभव किए हुए नरक के दुखों को भी स्मरण करता और आंतरिक दुख से अधिकाधिक जलने लगता है। अहो मैं बड़ा पापी हूँ, काम से अंधा होने के कारण पराई स्त्रियों को हर कर उनके साथ संभोग करके मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। उन पापों से अकेला मैं ही ऐसे ऐसे नरकों का कष्ट भोगता रहा। फिर स्थावर आदि योनियों में महान दुख भोग कर अब मानव योनि में आया हूँ। आंतरिक दुख तथा बाह्य संताप से दग्ध हो रहा हूँ। अहो देहधारियों को कितना दुख उठाना पड़ता है, शरीर पाप से ही उत्पन्न होता है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। मैंने कुटुंब मित्र और स्त्री के लिए दूसरों का धन चुराया है, उसी पाप से आज गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ जल रहा हूँ। पूर्व जन्म में दूसरों का धन देख कर ईर्ष्यावश जला करता था, इसलिए मैं पापी जीव इस समय भी गर्भ की आग से निरंतर दग्ध हो रहा हूँ। मन वाणी और शरीर से मैंने दूसरों को बहुत पीड़ा दी थी, उस पाप से आज मैं अकेला ही अत्यंत दुखी होकर जल रहा हूँ। इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है, अब मैं जन्म लेने के बाद सत्संग तथा भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करके विशुचित हो सत्कर्मों का अनुष्ठान करूंगा और संपूर्ण जगत के अंतरात्मा तथा अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सत्य ज्ञानानंद स्वरूप लक्ष्मीपति भगवान नारायण के उन युगल चरणारविंदों का भक्तिपूर्वक पूजन करूँगा जिनकी समस्त देवता असुर यक्ष गंधर्व राक्षस नाग मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते हैं। भगवान के वे चरण दुस्सह संसार बंधन के मूलोच्छेद के हेतु हैं। वेदों के रहस्यभूत उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान होता है, वे ही संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। मैं उन्हीं भगवान चरणारविंदों को अपने हृदय में रखकर अत्यंत दुख से भरे हुए संसार को लांघ जाऊंगा, इस प्रकार वो मन में भावना करता है। नारद जी, जब माता के प्रसव का समय आता है उस समय वह गर्भस्थ जीव वायु से अत्यंत पीड़ित हो माता को भी दुख देता हुआ कर्म पाश से बंद कर जबरदस्ती योनि मार्ग से निकलता है। निकलते समय संपूर्ण नरक यातनाओं का भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है। बाहर की वायु का स्पर्श होते ही उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, उसमें भी अपने ही मलमूत्र में उसका शरीर लिपटा रहता है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों से पीड़ित होकर भी वो कुछ नहीं बता सकता। उसके रोने पर लोग ये समझते हैं कि भूख प्यास से कष्ट पा रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिए और इसी मान्यता के अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वो अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोग का अनुभव करता है। मच्छरों और खटमलों के काट लेने पर वो उन्हें हटाने में असमर्थ होता है। शैशव से बाल्यावस्था में पहुंचकर वह माता पिता और गुरु की डांट सुनता और चपत खाता है। वह बहुत से निरर्थक कार्यों में लग
लगा रहता है। उन कार्यों के सफल न होने पर वो मानसिक कष्ट पाता है। इस प्रकार बाल्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है। तत्पश्चात तरुणावस्था में आने पर जीव धनोपार्जन करते हैं, कमाए हुए धन की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उस धन के नष्ट या खर्च हो जाने पर अत्यंत दुखी होते, माया से मोहित रहते हैं। उनका अंतकरण काम क्रोधादि से दूषित हो जाता है। ये सदा दूसरों के गुणों में भी दोषी देखा करते हैं। पराए धन और पराई स्त्री को हड़प लेने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। पुत्र मित्र और स्त्री आदि के भरण पोषण के लिए क्या उपाय किया जाए? अब इस बड़े हुए कुटुंब का कैसे निर्वाह होगा? मेरे पास मूल धन नहीं है, अतः व्यापार नहीं हो सकता। इधर वर्षा भी नहीं हो रही है, अतः खेती से क्या आशा की जाए? मेरे घरवाले के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अतः उनसे काम काज में कोई मदद नहीं मिल सकती। इधर मैं भी रोगी हो चला और निर्धन ही रह गया। मेरे विचार न करने से खेती बाड़ी नष्ट हो गई। बच्चे रोज रोया करते हैं, मेरा घर टूट फूट गया, कोई जीविका भी नहीं मिलती। राजा की ओर से भी अत्यंत दुस्सर दुख प्राप्त हो रहा है। शत्रु रोज मेरा पीछा करते हैं, मैं इन्हें कैसे जीतूंगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल तथा अपने दुख को दूर करने में असमर्थ हो वे कहते हैं, विधाता को धिक्कार है, उसने मुझे भाग्य इनको पैदा ही क्यों किया। इसी तरह जीव जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसका बल घटने लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं और जरावस्था के कारण सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती। अनेक प्रकार के रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं, उसका एक एक अंग कांपता रहता है। दमा और खांसी आदि से वो पीड़ित होता है। कीचड़ से मलिन हुई आंखें चंचल एवं कातर उठती है। कब से कंठ भर जाता है। पुत्र और पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते हैं, मैं कब मर जाऊंगा? इस चिंता से वो व्याकुल उठता है और सोचने लगता है कि मेरे मर जाने के बाद यदि दूसरों ने मेरा धन हड़प लिया तो मेरे पुत्र आदि का जीवन निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार ममता और दुख में डूबा हुआ वह लंबी सांस खींचता है और अपनी आयु में किए हुए कर्मों को बार बार स्मरण करता है तथा क्षण क्षण में भूल जाता है। फिर जब मृत्युकाल निकट आता है तो वह रोग से पीड़ित हो आंतरिक संताप से व्याकुल हो जाता है। मेरे कमाए हुए धन आदि किसके अधिकार में होंगे, इस चिंता में पड़कर उसकी आंखों में आंसू भर आते, कंठ गुरगुराने लगता है और इस दशा में शरीर से प्राण निकल जाते। फिर यमदूतों की डांट फटकर सुनता हुआ वो जीव पाश में बनकर पूर्ववत नरक आदि के कष्ट भोगता है। जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातु तब तक आग में तपाए जाते हैं जब तक कि उनकी मैल नहीं जल जाती, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मों के क्षय होने तक अत्यंत कष्ट भोगते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इसलिए संसार रूपी दावानल के ताप से संतप्त मनुष्य परम ज्ञान का अभ्यास करे, ज्ञान से वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान शून्य मनुष्य पशु कहे गए हैं, अतः संसार बंधन से मुक्त होने के लिए परम ज्ञान का अभ्यास करें। सब कर्मों को सिद्ध करने वाले मानव जन्म को पाकर भी जो भगवान विष्णु की सेवा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता जगदीश और भगवान विष्णु के रहते हुए भी मनुष्य ज्ञान रहित होकर नरकों में पकाए जाते हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है। जिससे मलमूत्र का स्रोत बहता रहता है, ऐसे इस चलभंगुर शरीर में अज्ञानी पुरुष महान मोह से आच्छन्न होने के कारण नित्यता की भावना करते हैं। जो मनुष्य मांस तथा रक्त आदि से भरे हुए उस घृणित शरीर को पाकर संसार बंधन का नाश करने वाले भगवान विष्णु का भजन नहीं करता, वह अत्यंत पातकी है। ब्राह्मण, मूर्खता या अज्ञान अत्यंत कष्टकारक है, महान दुख देने वाला है, परंतु भगवान के ध्यान में लगा हुआ चांडाल भी ज्ञान प्राप्त करके महान सुखी हो जाता है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, देवता भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अतः उसे पाकर विद्वान पुरुष परलोक सुधारने का यत्न करे। जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न तथा भगवान की आराधना में तत्पर रहने वाले हैं, वे पुनरावृत्ति सहित परम धाम को पा लेते हैं। जिनसे ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनसे चेतना पाता है और जिनमें ही इसका लय होता है, वे भगवान विष्णु ही संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जो अनंत परमेश्वर निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं, उन देवेश्वर श्री हरि की पूजा अर्चा करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।